नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक स्टीरियो आया है, इसमें प्रॉब्लम है, ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? इसमें हम 12 वोल्ट का पहले सप्लाई देंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है और क्या प्रॉब्लम है। इसको पहले खोलेंगे, उसके बाद रिपेयर करेंगे। तो पहले इसमें जो है, ये कंपनी देखिए, ये इसमें लिखा है कंपनी का नाम एडी साउंड। ठीक है, ये चाइना कंपनी का होता है। तो इसमें देखिए, ये चार्जिंग सॉकेट भी है और इसमें दिया हुआ है पेन ड्राइव। ठीक है, यहाँ पे यूएस ऑक्स का जो पोर्ट है लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे सारा बटन वगैरह दिया हुआ है। तो इसमें जो है, हम पहले लाइन देते हैं। ठीक है, लाइन देने के बाद इसमें हम चेक करेंगे इसमें दिक्कत क्या है और इसको रिपेयर भी करेंगे। ये जो पावर कनेक्शन है, ये दोनों को हम एक साथ में जोड़ देते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव लाइन ही होता है। ठीक है, ये दोनों जो है पॉजिटिव लाइन होता है, ये सॉकेट इस तरह का है। ठीक है, तो इसमें पावर देने के लिए हमको चाहिए 12 वोल्ट का कोई भी सप्लाई। ठीक है, तो हम पहले, हमारे पास ये देखिए 12 वोल्ट का एक एडाप्टर है, इसको हम पावर लगा देते हैं। उसके बाद हम इसका आउटपुट जो सप्लाई है कितना निकल रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम स्टीरियो में, ये जो स्टीरियो है इसमें सप्लाई देंगे। तो देखिए, ये वाला पॉजिटिव है, इसको हम पॉजिटिव पे लगा देते हैं, और ये वाला नेगेटिव है, इसको नेगेटिव में लगा देते हैं। देखिए 12.17 वोल्ट इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सप्लाई है, ये पॉजिटिव वाला इसमें लगा देते हैं। ये लगा दिया, हम देखेंगे 12 वोल्ट जो सप्लाई है उसको सप्लाई कनेक्शन करने के बाद इसमें ड्रॉप होता है या वोल्टेज बराबर रहता है। तो मीटर की तरफ देखिए, 12.2 वोल्ट। ठीक है, इस ये छोटा सा ही, थोड़ा सा ही ड्रॉप हुआ है, ये ड्रॉप से चलता है। ठीक है, तो अभी जो है स्टीरियो का जो पावर बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं। अगर ये सही रहेगा तो इसका जो पावर बटन है उसको दबाने के साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले भी कुछ लिखा आना चाहिए। ये हमने दबा दिया, देखिए ये नेक्स्ट अगेन का बटन है, ये पावर बटन है। यहाँ पे मोड लिखा है, ये भी दबा दिया, देखिए ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? तो पहले इसको खोलेंगे, खोलने के बाद इसमें देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। तो चैनल पे बने रहिए। पहले हम इसका 12 वोल्ट जो है उसको काट लेते हैं, ऑफ कर देते हैं। ये हमने इसका अडेप्टर निकाल दिया, तो इसका जो बैक कवर है, इसको, ये जो ढक्कन है इसको खोल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या का सिस्टम दिया गया है अंदर में, आपको दिखाते हैं। ये जो स्टीरियो है, ये न्यू मॉडल का है। ये हमें किसी ने हमें कमेंट किया था, ये न्यू मॉडल का जो स्टीरियो, इसमें क्या क्या रहता है अंदर में, आपको इसका वीडियो बनाना है। देखिए यहाँ पे एक LM दिया हुआ है, यहाँ पे एक जो मेमोरी चलाता है वो वाला IC दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेगुलेटर है, ये वाला छोटा सा रेगुलेटर है, और ये मेन IC है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ये रेगुलेटर से सप्लाई निकल रहा है या नहीं, आप देखते रहो। यहाँ पे हम वीडियो को जूम भी कर देंगे। तो पहले इसमें जो है, इसका जो सप्लाई है वो निकल रहा है या नहीं, हम देखेंगे। ये हमने 12 वोल्ट सप्लाई फिर से लगा दिया, यहाँ पे हमें 12 वोल्ट, यहाँ पे हमने ग्राउंड पकड़ लिया, यहाँ पे देखते हैं, ये 11.90 वोल्ट, यहाँ पे 11.90, यहाँ पे 5.1 वोल्ट,
यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये 10 वोल्ट। ठीक है, ये रेगुलेटर आईसी जो है ये हमारा बराबर काम कर रहा है, ये रेगुलेटर आईसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो है इस पैनल को जो पहले ओपन करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इस पैनल में कोई शॉर्टेज वगैरह है क्या, कोई शॉर्ट भी हो सकता है, तो इसको पहले हम निकाल लेते हैं जो फ्रंट का पैनल है, उसके बाद हम फिर से मिलते हैं। दोस्तों, हमने ये जो पैनल का जो स्क्रू है, सारा स्क्रू इधर खोल के रख दिया, तो इसको पैनल को जो निकालते हैं, ये निकाल लिया। यहाँ पे देखिए धूल मिट्टी पूरा जमा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो बटन है ये भी हटा लेते हैं, ये साफ़ हो गया है। तो अभी जो है हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, कितना वोल्टेज हमें इधर मिल रहा है। ठीक है, पहले हमने इसको पावर जो है दबा दिया, पावर का कनेक्शन हमने कर दिया। यहाँ पे हमने ग्राउंड पकड़ लिया है, अब मीटर की तरफ देखिए, यहाँ पे जो LM है इसमें चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है 5 वोल्ट बता रहा है, यहाँ पे देखिए ये ड्रॉप दिखा रहा है, तो ये ड्रॉप क्यों हो रहा है, ये LM हीट हो रहा है, ये IC भी हीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ जो है शॉर्ट हो रखा है। तो यहाँ पे क्या शॉर्ट है हम निकालते हैं। पहले जो है यहाँ पे देखना होगा कौन सा चीज़ इसमें शॉर्ट है, तो हम पहले इसका पावर जो है कनेक्शन काट देते हैं। ये कनेक्शन हमने काट दिया, ये लाइट हमें थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे हम एक एक करके बर्जर रेंज पे चेक करते हैं क्या चीज़ हमारा इसमें शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये हमने ये जो LM का कनेक्शन है ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये वाला ग्राउंड है, देखिए ये पूरा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या चीज़ यहाँ पे शॉर्ट है, जब पे मेमोरी है, ये जो मेमोरी स्लॉट है इसको देखते हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों ये मेमोरी स्लॉट जो है, यहाँ पे जो मेमोरी लगाते हैं ये स्लॉट में लगता है शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये यहाँ पे SD कार्ड डाला हुआ है, तो इस SD कार्ड को निकालते हैं। ये SD कार्ड निकालने के बाद हम वोल्टेज चेक करते हैं, इसमें जो शॉर्ट था ये अभी भी है या चला गया है, देखते हैं। फिर से हमने इसमें पावर सप्लाई दे दिया है, देखिए ये 11 वोल्ट, मतलब ये जो मेमोरी है ये देखिए अभी 11 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ठीक है। इसमें ये मेमोरी जब तक लगा रहेगा तो इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा था, अभी देखिए ये हमने देखिए 11.93, अभी इसमें जो है हमने फिर से ये जो मेमोरी कार्ड है इसको लगा देते हैं, ये लगा दिया, अभी इसमें फिर से चेक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज जो है ये ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, मीटर पे देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अभी इसमें फिर से ये मेमोरी इसको खोल देते हैं, ये खोल दिया, अभी इसमें चेक करते हैं, देखिए 11.84।
मतलब ये मेमोरी कार्ड जो है दोस्तों, ये लगता है ये शॉर्ट हो चुका है, इसके कारण जो है हमारा जो स्टीरियो है वो ऑन नहीं हो रहा था। अभी ये मेमोरी कार्ड तो हमने खोल दिया, देखते हैं ये अभी ऑन होता है कि नहीं। ये जो बटन है, ये पावर बटन है, इसको प्रेस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पावर बटन दबाने से साथ साथ ये चालू हो गया है। तो ये क्या प्रॉब्लम था इसमें, ये मेमोरी कार्ड है, ये जो है इसमें स्लॉट में डालने से ही ये शॉर्ट होता है। मतलब ये मेमोरी कार्ड जो है पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका है, इसके कारण जो है पूरी तरह स्टीरियो जो है डेड हो चुका था। ठीक है, ये थोड़ा सा ही इसमें प्रॉब्लम था। तो इसमें हम अभी चेक करते हैं इसमें साउंड बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए हमको ये साउंड का जो सॉकेट है इसको लगाते हैं, उसके बाद हम इसमें एक स्पीकर लगा के देखेंगे ये साउंड आ रहा है या कोई इसमें दिक्कत है। दोस्तों इसमें देखिए, ये इसमें रेडियो में साउंड आ रहा है, तो मतलब बीमारी इसमें था। ये देखिए वॉल्यूम भी कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये इसमें बीमारी थोड़ा सा ही था, इस मेमोरी कार्ड में से ये शॉर्ट हो रहा था तो इसके कारण ये बंद हो रहा था। ठीक है, ये अभी ये देखिए ये काम बढ़िया से कर रहा है। यहाँ पर BT आ रहा है, आ गया, यहाँ पे ऑक्स आ गया, फिर से इसमें रेडियो आ गया। मतलब ये स्टीरियो जो है इसमें क्या प्रॉब्लम था, देखिए ये लगाते ही ये शॉर्ट हो जाता है।